अच्छा, आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, अब ब्रैकेट में मैंने स्किल लिखा हुआ है, तो हर किसी ने अलग अलग ही गिग पे काम करना है, तो जो भी आपकी स्किल हो, जो ग्राफिक डिजाइनर हो वो उसको लिख दे, जो जिस तरह का भी काम करना चाहता है ठीक है वो इसको लिखेगा। एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन स्किल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ में आप बहुत एक्सपर्ट हैं और कुछ में आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कुछ में आपके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है। मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को यूज इस तरीके से प्रेजेंट करें, खासतौर पर ऊपर आपने उस चीज़ को लेकर जाना है जिसकी आप गिग लिख रहे होंगे, और जो और दूसरी स्किल को ऐड कर रहे होंगे उसका थोड़ा सा कम बेशक एक्सपीरियंस शो कर दें। समझ आई बात की? आई हैव स्पेशलाइज्ड इन, फिर आपने यहां पर अपनी स्किल लिखनी है ठीक है। पैशन इज मैजिक दैट, अभी आगे से हमने थोड़ा सा सेंटेंस बना के लिखा हुआ है एज इट इज, बेशक ये फाइल आपको मैं दूंगा, इसको आप कॉपी कर लें, जिन लोगों की खासतौर पर इंग्लिश वीक है, और जिनकी इंग्लिश वीक है कोई मसला नहीं, अभी हम उसमें भी जाएंगे, चैट जीपीटी में जाएं, वहां पर जाकर कंपोज करवा लें ठीक है, और हर दफा नया मैसेज कंपोज करवाएं आप यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ जी, माय की एक्सपर्टीज इंक्लूड द फॉलोइंग सर्विसेज, सो ये ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से लिखी हुई है। अगर कोई बंदा एसईओ के हिसाब, ये भी कोई इशू नहीं है कि भाई ये सर्विस, पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं आपको पता ही है ना, मतलब मैं क्या क्या सर्व कर सकता हूँ इतना तो मैं बता सकता हूँ, नहीं भी बता तो कोई बात नहीं है भाई, आप लगा रहे हो बैकग्राउंड इरेजर की फॉर एग्जांपल गिग लगा रहे हो, तो आपने जब एक बंदे की गिग खोली है तो उसमें ये सारा लिखा हुआ आ रहा होगा कि वो कौन सी सर्विस दे रहा है, इट इज़ नॉट अ डुप्लीकेट ठीक है ना। डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि मैंने पूरे का पूरा कॉन्टेंट उठाया और डुप्लीकेट कर लिया, क्योंकि अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं एसईओ की सर्विसेज देता हूँ तो एसईओ में तो एक ही तरह की स्किल्स होंगी ना, तो वो 10 बंदे जब अपनी ऑफर कर रहे होंगे वो सबके सब एक ही स्किल लिख रहे होंगे, तो इसका मतलब है ये नहीं कि ये डुप्लीकेट है ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने पॉइंट्स बनाकर अपनी स्किल्स को लिख देना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी आगे, फॉलोइंग टूल्स। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ भी आकर एक और हेडिंग बनाकर फिर आगे से अपनी स्किल्स लिख दी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी स्किल्स आपके पास हों, आपने अपनी ही स्किल पे फोकस करते हुए रहना है। तो ये एक स्टैंडर्ड गिग लिखने का एक फॉर्मूला सिर्फ बताया कि आपने इस तरीके से अपनी उसको कंपोज करना है, गिग को इस तरह से आपने कंपोज कर लेना है। एक बात याद रखें कि आपकी गिग मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी कि आपने अगर अच्छी ऑप्टिमाइज गिग लगाई है तो 7-8 दिनों से, यानी कि आप समझो 7 से 10 दिन तक आपकी गिग नजर आएगी टॉप पर, उसके बाद आपकी गिग नीचे चली जाएगी, कभी टॉप पर आएगी लेकिन फिर वो नजर आना जरा बंद हो जाएगी, कुछ दिनों के लिए वो परमानेंट नजर आ सकती है अगर आपने अच्छे तरीके से कंटेंट लिखा होगा उसका, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज। अच्छे कंटेंट का मतलब क्या है कि बिल्कुल ये मतलब नहीं कि मुश्किल इंग्लिश लिखी होगी, अच्छे कंटेंट का मतलब ये है कि आपने कीवर्ड्स को फोकस किया होगा अपने कंटेंट के अंदर। अभी हमने कीवर्ड ढूंढना देख लिए थे ना प्रीवियस क्लासेस में, हमने देखा था कि हमें पता लग जाए कि भाई कीवर्ड्स कौन कौन से चलने लगे हुए हैं। अब ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये गूगल के कीवर्ड्स नहीं है, ये स्पेशली फाइवर के कीवर्ड्स हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी, उस एक्सटेंशन से आपने कीवर्ड्स को फाइंड कर लेना है पहली 2 रोज में, जो उनसे भी आपको अच्छे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं आपने उन कीवर्ड्स को फोकस करना है ठीक है। तो ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड फार्मूला, अब इधर आ जाते हैं। जी ठीक है, अभी इधर आते हैं जी, अब इधर गिग लिखते हैं अपनी गिग। कहाँ से लिखते होते हैं, कहाँ से जाते हैं? चले वो क्रिएटर गिग लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया ठीक है। हाँ, गिग लिखने के लिए कहाँ जाते हैं? माय बिजनेस में जाएंगे हम ठीक है, माय बिजनेस में जाकर गिग्स पे जाएंगे आप, और यहां से आपने अपनी गिग कंपोज करनी है। चले जी, अब हम यहां से क्या करेंगे, क्रिएट, और ये काम आपने कहां से करना है, बेहतर है कि आप ये काम अपने डेस्कटॉप से करें, मोबाइल के ऊपर फाइवर की बहुत सारी ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है मोबाइल ऐप के ऊपर ठीक है। आप मोबाइल ऐप को सिर्फ अपने फाइवर अकाउंट के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करें ठीक है, लेकिन वहां पर कोई चीज बनानी है आपने, क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप उसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। आगे यहां पर इधर से इधर भी आ जाते हैं, यहां से भी फाइवर पे चलें जरा।
यहाँ पर आकर हम जरा देखते हैं इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम लिखा है। अब जो जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो ये काम भी कर सकते हैं, नहीं है अगर आप कैनवा यूज कर लेते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। सो मैंने यहां पर लिखा है जी इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन। आ गया, फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं आ गया हूं इस वक्त कि इंस्टाग्राम, इसकी वजह से काफी सारी हैं, तकरीबन अबाउट लाख गिग्स इस पे लगी हुई हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि शुरू में आपने इतनी कंपटीशन वाली गिग पर नहीं जाना, ठीक है, लेकिन चलिए अभी हम सपोज करके इस पर जा रहे हैं और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये एक ऐसी गिग है मेरा ख्याल है जिसे सब यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करनी है। हाँ, अब जिन लोगों ने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा नहीं किया होगा लेकिन वो कैनवा तो यूज़ कर सकते हैं ना, सो कैनवा यूज़ करते हुए वो इंस्टाग्राम की फीड ऐड भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी भी लिख सकते हैं वहाँ पे, उसके अंदर ये सब कुछ ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं बनाने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इधर। अब आप देखिए इसका इमेज देख लें, देखिए उसने अपने सारे इमेजेस को इकट्ठा किया हुआ है अच्छे से स्टाइल, ये देखे ना, ये एक इंप्रेशन है आपकी गिग का, पहला इंप्रेशन है जो किसी ने आपको देखकर ऑफर करना है कि आपने खुद अपना इमेज कैसा अच्छा डिजाइन किया हुआ है। तो अगर आप अच्छा इमेज डिजाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या होगा कि वो तो आपकी गिग पर आएगा भी नहीं, इंप्रेशन मिल रहे होंगे, मे बी वो लिंक क्लिक भी कर दे लेकिन आपको मैसेज वगैरह भी नहीं वो करेगा, तो यही तो आपकी एडवर्टीजमेंट है, ये आपका जो थंबनेल है यही आपको एडवर्टाइज कर रहा है। तो आप जितना अच्छा थंबनेल बनाए, अगर आप डिजाइनर हैं खासतौर पर, मतलब सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, मैं SEO की बात कर रहा हूँ, तो मैं डिजाइनिंग की सर्विसेज तो नहीं दे रहा ना, तो उसमें मेरा इमेज इतना मैटर नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप क्योंकि आप डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो उसने तो आपके डिजाइन से ही नतीजा निकालना है कि आप कितने अच्छे डिजाइनर हैं, बाकी की बातें बाद में शुरू होंगी। चलिए अब आ जाते हैं इधर से जी, ये क्या लिखा हुआ है, आई विल क्रिएट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन जी, टॉप फोकस कीवर्ड्स आ रहे हैं पहली दो लाइनों में, 38, 20, 17, 14, 9, 8, जितने भी ज्यादा गिग्स वाले कीवर्ड्स होंगे, फोकस कीवर्ड्स होंगे, उन्हें मैं यूज कर लूंगा, और सिर्फ जरूरी एक कीवर्ड्स का ऑप्शन है वहां पे यूज करना है, एक डिस्क्रिप्शन में भी आप इन कीवर्ड्स के साथ सेंटेंस बना सकते हैं, समझे, भला आपने अब डिस्क्रिप्शन में तो कोई और एक और चीज याद रखनी है कि डिस्क्रिप्शन में आप रिपीट नहीं कर सकते, अगर आप अपने कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में रिपीट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके डिस्क्रिप्शन को, यानी कि मैं ये समझूंगा भाई मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, एक कीवर्ड मुझे मिल रहा है 38 जिसका सर्च वॉल्यूम नजर आने लगा हुआ मुझे कि भाई ये तो बड़ा अच्छा कीवर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ सेंटेंस के अंदर रिपीटेडली इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो शायद जल्दी रैंक कर जाऊँ, ऐसी गिग अप्रूव ही नहीं होगी। वो ये कहता है कि आपने रेपिटेशन नहीं करनी, ठीक है, रेपिटेशन बिल्कुल नहीं करनी आपने। हम कर क्या सकते हैं कि हम पहली दो से तीन लाइनों वाले कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में भी फोकस कर लें। चलें जी, इसकी ये हमें पता लग गया, इधर से हमें इन कीवर्ड्स का भी अंदाजा हो गया, इधर से हमने गिग उठा ली है, यहां से क्या कह रहा है जी, आई विल क्रिएट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन, और यहां पर क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट कितने, इंस्टाग्राम पोस्ट 38 है और उसके आगे डिजाइन लगा हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो टाइटल है ये हमें ठीक लग रहा है, चलें इधर आ जाएं वापस, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर एक एंटर करूं, किया मैंने एंटर एक, अब देखिए इसमें एरर आएगी, मैंने इसीलिए कहा कि ये आप लोगों से भी एरर आएगा। वो क्या कह रहा है, No. वो कह रहा है टाइटल कुड कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स, कहता है अगर आप लेटर्स और नंबर्स के अलावा टाइटल में कुछ और लिखेंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अब मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा ना, मैंने तो एंटर किया, तो एंटर भी एक करैक्टर है, और एंटर किस तरह का करैक्टर है, सिम्बॉलिक करैक्टर है, यानी एक सिंबल है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलाउड नहीं है। तो इस तरह का इशू जब भी आएगा फौरी तौर पर आपने ये समझना है, मतलब आपके जहन में फौरी तौर पर ये आना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो करेक्टर नहीं है, ठीक है, यानी कॉमन ही इस्तेमाल कर सकेंगे, यही कह रहा है ना वो कि सिंबल इस्तेमाल नहीं करना, सिंबल इस्तेमाल करने से मना कर रहा है, सिंबल इस्तेमाल नहीं करना, मैं इसे बैकस्पेस करता हूं,
वापस आ गए, मतलब ये एंटर का निशान नजर कहीं नहीं आना आपको, इसने सिर्फ एरर ही जनरेट करना है। अब आ जाए आगे, आगे क्या कह रहा है भाई, पहले वाली कैटेगरी सजेस्टेड में ले लेते हैं ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। उसके बाद क्या कहता है, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो, अगर आप और प्लेटफॉर्म्स के लिए भी उसे ऑफर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें उसको, ठीक है। कि भाई आप इंस्टाग्राम आपने टाइटल में लिख दिया, आपको लग रहा था कि भाई कीवर्ड बड़ा हॉट है इसलिए लगा दिया, लेकिन हम कह रहे हैं भाई हम तो फेसबुक का भी दे रहे हैं, ट्विटर का भी दे रहे हैं, यूट्यूब का भी दे रहे हैं, लिंक्डइन का भी दे रहे हैं, चले बस कर देते हैं। वैसे सारे के सारे सोशल मीडिया आपको पता है लिस्ट में आने शुरू हो गए। अब ये काम तो मुझे लगता है आप लोगों के इंटरेस्ट का काम है, ये तो ऐसा कोई काम तो नहीं कि बर्डन वाला काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यार बड़ा बोरिंग काम है, ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ आप रोजाना प्ले करते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ आप प्ले कर रहे होते हैं ना, कभी इंस्टाग्राम खोला होता है, कभी फेसबुक, टिकटॉक, ये सब चीज़ें हैं जो यूज़ कर रही होती है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर आप खुद से क्रिएटिवली यूज़ करेंगे तो ये आपको बेनिफिट फायदा पहुंचाना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ आप कैनवा को ले आएँ, मतलब कैनवा को साथ जोड़ लें, कैनवा के साथ थोड़ी सी अपनी एक्सपर्टीज लाएँ, कैनवा के अंदर पोस्ट बनाएँ, लगाएँ पोस्ट यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव कीवर्ड्स। चलें जी, कीवर्ड्स बताने हैं मुझे। गुड, इंस्टाग्राम। अच्छा, अब आपके पीछे वाले बेंच से कोई मुझे बताएगा, पीछे वाला बेंच। हाँ जी, ये वाला, ये चार स्टूडेंट्स, एक दो तीन चार, चार नहीं हो गया, क्या हो गया, शाबाश, जल्दी से बोले। हाँ जी, आप बोले, 1 2 3 4, जल्दी से बोलने। मैं पीछे वाले टेबल में गया हूँ, पीछे वाले टेबल पर हूँ इस टाइम, मैंने स्क्रीन इसीलिए तो खोल दिया, अब तो बोल दें, अब क्या रह गया बीच में, कौन सा ये देखे, मैं आपसे डिसीजन मेकिंग करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है बजाय इसके कि आप टीचर के साथ ही लगे रहें सिर्फ। और क्या करूँ, छत पे कुछ जाला जाला लगा हो तो उतार दूँ। जी बताएं। हाँ जी, आपने कहा सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, इसलिए कि हमने बहुत सारी चीजें दी है ना उसमें, तो हम सोशल मीडिया डिजाइन को भी अपना कीवर्ड रख सकते हैं यहाँ पर। गुड, आ जाते हैं जी इधर वापस। और एक वजह यह भी थी कि इसकी सर्च वॉल्यूम भी अच्छा था, सोशल मीडिया डिजाइन। चलो अब इस तरफ आ जाते हैं और पीछे से शुरू करते हैं, आखिरी वाले बेंच से किसी ने बताना है एक और कीवर्ड, इंस्टाग्राम। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक ये बात भी तो हो सकती है ना, इंस्टाग्राम टेम्पलेट, क्या हमें यहाँ नजर आ रही है, क्या आपने खुद से बताया है, फिर मैं आपको बताता हूँ खुद से बताने का नुकसान क्या है, ठीक है। हाँ, नजर नहीं आ रहा, आपने खुद से बताया। अच्छा, ये खुद से नहीं बताना आपने, इसलिए कि आपकी गिग को आपने तो नहीं सर्च करना, आपकी गिग को लोगों ने सर्च करना है। ये जो एनालिसिस आ रहे हैं ये लोगों की सर्चिस की बेस पर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप चार कीवर्ड लगाओ खुद से सोच के, और वही वाले चार कीवर्ड इतने यूनिक होंगे आपके अलावा कोई लिखता ही ना हो, तो आप जब चेक करोगे ना वो चार कीवर्ड लिख के, आपकी गिग नजर आएगी, लेकिन लोग उनको नहीं देख रहे होंगे। लोग उसको क्यों नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि वो तो कीवर्ड ही रैंक नहीं है, मतलब वो वाला कीवर्ड लोग लिख ही नहीं रहे। हाँ जी, वन ये नंबरिंग आ रही है ना उसकी, यही बता रहा, सर्च वॉल्यूम उसका अच्छा वॉल्यूम है कि बुरा वॉल्यूम है, आप देख रहे हैं पहली दो लाइनें सबसे ज्यादा, पहली लाइन, उसके बाद अगर आपने यूज करना हो तो सेकंड लाइन पर भी चले जाएं, लेकिन उसके बाद तो नीचे वन वन ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका सर्च वॉल्यूम लो है। अब ये सर्च वॉल्यूम का मतलब बिल्कुल यही है, आपने समझना कि इट इज अ नंबर ऑफ गिग्स, ये एक सर्च वॉल्यूम कैलकुलेट उसने किया हुआ है, तो हायर नंबर जो है वो कह रहा है कि अच्छा सर्च वॉल्यूम है, और जो लोअर नंबर है वो कह रहा है कि ज्यादा बेहतर नहीं है बड़े वाले से, ठीक है। चलो अब हम यूं करते हैं, एक हमारे पास है सोशल मीडिया डिजाइन लिखा है आपने, अब हम सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लिखते, हाँ बल्कि हम लिखते हैं इंस्टाग्राम लिख लेते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारा फोकस किस पे था इस दफा, सिर्फ मोस्टली इंस्टाग्राम पे था। अच्छा, हम कितने कीवर्ड्स लिख सकते हैं, 20. हम 5 कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी इसको भी देखते हैं, आ जाते हैं वापस इसी पे, इधर भी जूम बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलिए अब कुछ मसाइल हल हुए हैं।
इंस्टाग्राम लिख लिया हमने, फेसबुक पोस्ट डिजाइन, क्या ख्याल है? ठीक है, इसलिए कि इंस्टाग्राम को तो हमने बार बार लिख लिया ना, कितनी दफा लिखा है इंस्टाग्राम, देखे एक से ज्यादा दफा लिख चुके हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया डिजाइन। तो अगर आप देखो तो पोस्ट भी हमें कीवर्ड में मिल गया, डिजाइन भी हमें कीवर्ड में मिल गया, अब हमें क्या लिखना चाहिए? हाँ जी बोले, इंस्टाग्राम एड्स यहां पर है पहली दो लाइनों में, थर्ड लाइन में है इंस्टाग्राम एड्स, इसका सर्च वॉल्यूम 3 है। चलिए हमें वैसे पहले कंसीडर करना चाहिए पहली दो लाइनों को, ठीक है, चलिए हम इसको भी कर लेते हैं इंस्टाग्राम एड्स। वैसे अगर आप देखें ना तो अभी हमने क्या टाइटल क्या हमारा, अच्छा एड में और डिजाइन में फर्क है ये समझ लें। मैंने कहा एड में और डिजाइन, एड जो है ना वो डिजिटल मार्केटर बना रहा है और डिजाइन जो है वो ग्राफिक डिजाइनर बना रहा है, यानी दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना। तो अगर आप एड लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको ये शो कर रहे हैं कि आप डिजाइन भी करेंगे, आप एड भी चलाएंगे, ठीक है, आप उसका एड भी रन करोगे। चले कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लगा देते हैं जी। क्या लगाएं? कितने हो गए? 4, एक और चाहिए हमें। सोशल मीडिया मैनेजर, नो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बनता, ये तो बिल्कुल टोटली डिजिटल मार्केटर के लिए। पोस्ट डिजाइन ठीक है, पोस्ट डिजाइन ठीक है, इसलिए कि पोस्ट डिजाइन जो है ना वो सारे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट तो हर जगह पोस्ट ही लगी हुई है। और 20 कैरेक्टर से बड़ा कीवर्ड भी नहीं आपका होना चाहिए, मैक्सिमम एक कीवर्ड की लेंथ जो है इन कैरेक्टर्स 20 होगी, इससे बड़ी नहीं होगी, ठीक है। चलें आगे, 5 टैग्स हो गए पूरे, अगर इसमें कोई इश्यू होगा तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा। अच्छा अब आगे क्या आ गया हमारे पास, देखें जरा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऑफर पैकेजेस। सो ये आपको दे रहा है 3 तरह के पैकेज, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इसका मतलब क्या होगा कि बेसिक बिल्कुल बेसिक पैकेज है, अगर आप स्टैंडर्ड में जाओगे तो बेसिक से बड़ा होना चाहिए, और जो प्रीमियम है वो स्टैंडर्ड से भी बड़ा होना चाहिए, सर्विसेज वाइज भी और कॉस्ट वाइज भी, ठीक है। अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। क्या हुआ? मैंने ऑफ का बटन प्रेस किया, क्या हुआ? यानी अब हमें इसको सिर्फ एक बेसिक ऑफर दे रहे हैं, बेसिकली आपकी गिग ने जो एक्टिव होना होता है ना वो आपकी प्राइस देखकर उसने एक्टिव होना होता है, लेकिन ये प्राइस, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को ये प्राइस पसंद आई तो तय हो गया सब कुछ, उसको वो सिर्फ अट्रैक्ट होता है और उसके बाद आपकी बातचीत उससे शुरू होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो बेसिक पैकेज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, चाहें तो दूसरे भी लिख लें। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी बेसिक में? नेम योर पैकेज, इसका क्या मतलब है? ये मुन्ने का नाम रखना है भाई, जो मर्जी रख लो, है आपकी मर्जी है ना, ये किसी की तो नहीं, इसमें क्या नाम रखना है ये तो नहीं सोचने बैठ जाना कि भाई क्या नाम रखें, हाँ कोई भी नाम रख सकते हैं, कौन रखेगा, क्या बना क्या रहे हम लोग, हाँ तो क्या नाम रखना चाहिए? देखते हैं कितने कैरेक्टर्स को यहाँ लिख ले, इंस्टाग्राम डिजाइन ऑफर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो जी? डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ओके। यहां पर आपने क्या लिखी है? डिस्क्रिप्शन डिटेल्स देनी है उसको कि भैया आप क्या ऑफर कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। इधर आ जाते हैं, मेहनत नहीं करते ज्यादा, इसने इंस्टाग्राम की दी हुई चीजें, लिखा हुआ है जी, इसने अपना इसका नाम क्या रखा हुआ, वन पोस्ट डिजाइन, ठीक है। अच्छा ये नाम था इसका, दूसरे नंबर पर जो इसने डिस्क्रिप्शन दी है वो क्या लिखी है, वन अट्रैक्टिव पोस्ट डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड थीम, ठीक है, इट्स गुड। अब देखिए यहां से आपको बिजनेस आइडियाज मिलते हैं, याद रखना है आपको कोर्सेज से बिजनेस आइडियाज नहीं मिलते, आपको रियल वर्ल्ड में घुसने के बाद रियल आइडियाज मिलते हैं। जब तक आप इन चीजों को टच नहीं करेंगे, इन चीजों को देखे बगैर
सिर्फ स्टडी की बेस पर कुछ करना चाहेंगे तो लोग आपको स्टूडेंट ही समझेंगे कि आप सारी उम्र स्टूडेंट रहेंगे। आपने जो करनी है रिसर्च करनी है रियल चीज़ों को देख के करनी है। जब आप रियल चीज़ों को देख के रिसर्च करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा उनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं, आप उनके उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगला बंदा यही कहता है कि यार हाँ भाई इसके कोई रियल चीज़ मुझे देगा, इसको मैं पिक करता हूँ यहाँ से। जी आगे क्या लिखा हुआ है, चले जी हम इसको एक काम करते हैं, देखेंगे पीछे कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ेगा। हमने नंबर तो नहीं लिखा था उधर, ठीक है जी। हमने क्या लिख दिया, टू अट्रैक्टिव पोस्ट डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। इस पर आए, इट इज ओनली आइडिया। मैं ये सिर्फ आइडिया के लिए, बाकी आपने हर दफा काम करते हुए डिफरेंट क्रिएटिव माइंड के साथ काम करना है कि लोग कैसे कर रहे हैं, मैं उसको कैसे लोगों से बेहतर बना सकता हूँ। मतलब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है, 2.5 महीने का कोर्स हो रहा है, सपोज 20,000 उसकी फीस है, लमसम लेते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, एक साथ ही कॉलेज खुल गया। हाँ, अब उसने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है ऑफर, तो वो कोर्स आउटलाइन है, वो सारी चीज़ों को सामने रखेगा ना कि भाई इनकी फीस कितनी है तो मेरी फीस कितनी होनी चाहिए, इनकी कोर्स आउटलाइन क्या है तो मेरी कोर्स आउटलाइन क्या होनी चाहिए, ये कितने दिन पढ़ाते हैं तो मुझे कितनी देर पढ़ानी है, एक दिन की क्लास कितनी बड़ी होनी चाहिए कि लोग उनको छोड़ के मेरे पास आएंगे। यही आपने यहाँ पे करना है कि आपने लोगों को देखना है कि लोग कैसी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप कैसी सर्विसेज देंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे भी तो नहीं हो सकता ना कि इधर से जूस जो मिलता है वो 200 रुपीज़ का मिलता है और आप 15 रुपये का जूस दें, तो इसका तो मतलब है ना आपको गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब क्वालिटी को मेनटेन करते हुए प्राइस को थोड़ा कम करना है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइस कम नहीं करनी कि देखने वाले को लगे कि यार आप तो कुछ डिलीवर ही नहीं कर रहे। हाँ हाँ ठीक है ना, चलो जी अब आ जाते हैं आगे। जी पहले जूस को डिस्कस कर लेते हैं, हो गया, चलिए आगे। चलें जी अब आ जाते हैं और नीचे इसमें। जी ये क्या लिखा हुआ है जी, डिलीवरी टाइम कि आप कितनी देर में एक डिजाइन आपने बनाना है, ठीक है। तो अब ये फैसला भी मुझे अकेले बैठ के नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये देखना चाहिए कि अगला बंदा क्या डिलीवरी दे रहा है। मैं कह ये भी हमने वन साइड पे बैठ के डिसाइड नहीं करना, हमने कॉम्पिटिटर को देखना है कि वो क्या कर रहा है। तो अगर वो 4 दिनों में दे रहा है, आपने अभी मैंने तो अभी 1 घंटे में आपको पढ़ाना था इसलिए मैंने एक गिग खोल लिया। आपने जब ये एनालिसिस करनी है कोई 2-4 गिग्स तो देखोगे ना एनालिसिस करने का, फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई एक पोस्ट की ऑफर कर रहा है कितनी देर में डिलीवरी देने लगा हुआ है। जैसे सपोज कर लेते हैं वो 4 दिनों में दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एवरेज 4 दिन निकल रहे हैं तो मैं अगर 3 दिन में भी दूंगा तो मेरी गिग बेहतरी है उससे। हाँ उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, रिव्यूज, कितनी रिव्यूज देंगे, 2। रिव्यूज का क्या मतलब होता है, रिव्यूज का मतलब ये है कि आपने पोस्ट डिजाइन करके दिया एक बंदे को, उसको आपकी पोस्ट पसंद नहीं आई, वो कहता भाई इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं, ये कर दो अब ये कर दो, फिर आ जाता है मैसेज यहाँ भी ये हो गया अब ये कर दो। तो इसका मतलब क्या, वो आपसे बार बार रिवाइज करवा रहे हैं अपना ऐड, तो आप बता रहे हैं कि आप इस ऑफर में उसको कितनी रिव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसको रिव्यूज देनी है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, कितने प्लेटफॉर्म्स के लिए आप उसे पोस्ट बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। चलो जी हमने कहा जी 3। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का क्या मतलब है, सोर्स फाइल का मतलब यह है कि आपने इलस्ट्रेटर में डिजाइन बनाया हुआ है, आपने कैनवा में बनाया है, क्या आपने फोटोशॉप में बनाया है, तो क्या आप उसको ओरिजिनल फाइल भी दे देंगे ताकि कल को अगर उसे कोई थोड़ा सा चेंज करना हो। जैसे हमने लोगों किसी से डिजाइन करवाया, जैसे यहाँ पर कोई डिजाइनर बैठा हुआ, मैंने उसे कहा भाई नजीब का लोगो डिजाइन करके तो मुझे फिर जो है ना इलस्ट्रेटर की फाइल दे देना, ताकि कल को अगर मुझे कुछ चेंज करनी हो तो मैं खुद उसे इलस्ट्रेटर में खोल के कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि क्या सोर्स फाइल मिल रही है कि सोर्स फाइल नहीं मिल रही, ये भी आपने कंपटीटर को देख के उसी हिसाब से लगाना है। कमर्शियल यूज के लिए है ये, ठीक है। अच्छा कमर्शियल यूज का क्या मतलब है, क्योंकि लाइसेंस वगैरह कि इसका लाइसेंस आप इसको दे रहे हैं, अब वो कोई और बंदे को आप ये डिजाइन नहीं देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, प्राइस। प्राइस कितनी प्राइस होनी चाहिए थी, $3 सर, वो नहीं होते। अच्छा गुड, 3 क्यों नहीं होते, 3 वो कंपनी ने नाम ही फाइवर रखा हुआ है तो वो कहते हैं भाई 5 से कम नहीं करेगा। हाँ 5 और 5 का ही रूल, 5, 10, 15, 20, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी, शटर स्टॉक मीडिया, ये क्या होता है,
जब ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री इमेजेस भी होते हैं और पेड इमेजेस भी होते हैं, तो कहता है आप शटर स्टॉक से अगर कोई इमेज मुझे दे रहे हैं तो क्या वो लाइसेंस्ड इमेज है कि नहीं है? ठीक है, छोड़ दें इसको। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? टोटल प्राइस नीचे आ जाए। आगे क्या कह रहे हैं? ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, करनी है कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने इसमें ऐड, मैंने फिलहाल खत्म कर दिया, इजी करें अपने आप को, पहले एक गीग आपकी आराम से लगे। ठीक है, एडिशनल रिव्यूज, एडिशनल प्लेटफॉर्म्स, चलो देखते हैं अब इसमें एरर देता है कि ले जाते आगे हमें। आगे ले आया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, वही वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसी तरह की आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, जरा इधर आते हैं, अगर मैंने ये खोला हुआ है तो खुला हुआ है, और यहां पे आके लिखो मैंने गिग नहीं लगाई है, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट दूंगे गिग कैसे लगनी है, के बजाय इसके कि आप मुझसे अगला क्वेश्चन ये करें कि आप एक गिग और लगवा दें सर, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल नाकाम हो चुका हूं आपको कॉन्सेप्ट देने में कि गिग लगानी कैसे। आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि गिग किस तरह लगनी है, अब आप इसको इस काबिल होना चाहिए कि आपकी गिग लग जाए, ना लगे तो आपको वहां पे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। सबसे पहले अपने किसी फेलो से डिस्कस करेंगे, भाई ये देखो ये एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है भला? तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उस एरर को पकड़ सकें कि भाई ये क्यों हुआ, किस वजह से ये एरर आया। आगे जी इसमें चैट जीपीटी में लिखवानी है मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। सबसे पहले देखें कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, 1200 कैरेक्टर्स की। नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा होगा ना जी, 1200 कैरेक्टर्स में हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो अब मैं यहां पर लिखने लगा, अब हमारा है क्या गिग किस चीज की थी हमारी? नहीं, किस चीज पे गिग लगा रहे थे हम? इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, मैं लिखता हूं सजेस्ट मी फाइवर गिग ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन फॉर क्या लिखा था मैंने उसके ऊपर टाइटल, किसी को याद है क्या दिया था? प्रोफेशनल आई विल लिखा था, उसके आगे क्या लिखा हुआ था? चलिए वो आगे से देख लेते हैं, हमने कहीं और से लिया था जी। प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पोस्ट, चेक कर लेते हैं, उधर से ली थी हमने, डिजाइन भी था उसमें। ठीक है, याद रखें कि कोई जरूरी नहीं है कि ये हर दफा आपको सजेशन जो दे वो एक्यूरेट हो, वो बिल्कुल ठीक हो। इसकी सजेशन को मैंने ही एनालाइज करने आगे से भी, कि मैं जो इससे पूछ रहा हूं क्या इसने मुझे वो बता दिया, नहीं बताया तो मैं उसको फिर रिफाइन करूंगा। अच्छा, अब क्या लिख दिया हमने? चलो जी, मैंने इसे कहा 1000 कैरेक्टर्स, 1200 की बजाय मैंने अपना मैसेज 1000 में इसे कहा कंप्लीट करके दो मुझे। आ गया, और उसने बिल्कुल उसी तरीके से अब जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो मैसेज मैं उसको देना चाह रहा था, वही वाला मैसेज उसने मुझे बनाकर दिया है। अगर आप इस तरीके से ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करके लगाओगे, अच्छा कीवर्ड रिसर्च करके लगाओगे, तो आपकी गिग, आपको ऑर्डर आए ना आए, गिग जरूर रैंक करेगी। ठीक है, चलें जी इसको पकड़ते हैं। थैंक यू कह दें,
बस यार इतना थैंक यू क्यों मांग रहे हो हमसे? इधर आए, अच्छा अब यहां पर देखें, ये पूरी की पूरे मेन्यू बार भी आ रही है। हाँ तो ये जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करे उन्हें पता होगा कि जब हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसमें बोल्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, स्ट्रॉन्ग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सो यहां पर आपने अब देखना है कि इन टेक्स्ट को कहां कहां आपको बोल्ड करना चाहिए, ठीक है। जहां आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है, तो आप इसको पिक करें और इसको बोल्ड कर दें। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह जहां पर बोल्ड करने के लिए कोई रिक्वायर नहीं, इशू नहीं करेगा कि भाई इतनों को बोल्ड करें। अब अगर आप चाहते हो कि आपने जो 5 कीवर्ड टारगेट किए थे, अगर वो वाले 5 कीवर्ड इसमें शामिल नहीं है तो उनको भी आप बीच में शामिल कर सकते हैं किसी वर्ड की रिप्लेसमेंट में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कितने करेक्टर्स आए हैं जी? अभी भी देखे मैंने उसे क्या कहा था, फिर भी उसने देखे कितने सारे बता दिए, क्योंकि उसने अपनी बात मुकम्मल करनी थी भाई, जो आपने उसे करने को कहा था, इसलिए आप हमेशा उसकी लिमिट से कम करेक्टर उसको कहें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, उधर से तो वो पूरी जनरेट करेगा, लेकिन जब आप इधर लेकर आएंगे तो स्किप कर देगा, आखिर वाला हिस्सा तो स्किप कर देगा ना, उसने तो 1200 से ऊपर जाना ही नहीं था। सेव एंड कंटिन्यू। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एड क्वेश्चंस और एड एफएक्यूज। एड एफएक्यूज इसका क्या मतलब था, बताया था ना मैंने आपको, ये किसने क्वेश्चन पूछना है, क्लाइंट है, क्लाइंट के जेन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जल्दी से कोई बंदा बताए मुझे, नहीं तो इसको देखते हैं इसने एफएक्यू दिया हुआ कोई कि नहीं दिया हुआ। ये थी जिसकी हमने खोली थी, अच्छा चले खुद से बता रहे कोई क्वेश्चन, चलो जी मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। डू यू क्रिएट डिजाइन इन एनी लैंग्वेज, सब कुछ लगा लिया, अब इतना सेंटेंस मिस्टेक्स तो नहीं करनी ना, जब मुकाए ना इसको यार खत्म करें, बिल्कुल आप दे प्रॉपर, जब क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन मार्क के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। yes, sir. अगर कोई और लैंग्वेज भी आपके पास है तो उसको वो भी बता दें, ठीक है। यहाँ कहना चाहते हैं कि सारी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं आप, तो उसको बता देंगे हम सारी में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने सिनेरियो में बता देते हैं कि हम ये दो लैंग्वेजेस में इस वक्त कर सकते हैं, बस यहाँ पर रुक जाएं। मैं फिलहाल टाइम सेव करते हैं, 5 मिनट रह गए हमारे पास जी। आगे क्या कह रहे हैं जी, पढ़े जरा, ये वही चीज आ गई ना फिर। अब चैट जीपीटी ने तो हमें रिकमेंड कर दिया था ना वहां से, अब वो ये कह रहा है भाई आपने इंस्टाग्राम को इस्तेमाल ज्यादा दफा किया है, ठीक है, जरा देखे कहां है इंस्टाग्राम। ये मैंने सर्च किया है, उसने दिखा दिया कि इंस्टाग्राम कहां कहां पे आ रहा है, ठीक है। क्या करें, कोई मसला नहीं है, एंगेजमेंट तक भी हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद कितने रह गए हैं, अब दो, ओह माय गॉड टू मच, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दें। अच्छा अब ये बिल्कुल वो बात आपके सामने आ गई जो मैं अभी आपको शुरू में बताया था कि एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है। इसको फीड कर सकते हैं आप, डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाई क्वालिटी पोस्ट कर दें, आप तो दो रह गए होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा उसमें लिखा हुआ है हाई क्वालिटी, अच्छा उसमें ये लिखा हुआ, इसको हम प्रोफेशनल कर दें और उसको रहने देते हैं, दो को रहने देते हैं, फिर देख लेते हैं उसे, मेरा ख्याल है दो पर इशू नहीं करना चाहिए।
दीन है, ठीक है, हाई क्वालिटी। अब इसको यहां से ठीक हो गया, एक आपको रियल इशू भी नजर आ गया एकदम, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि आपने कीवर्ड का एक्सेसिव यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर उसने कहा है कि एक क्वेश्चन आप ही कर सकते हैं उससे, न्यू क्वेश्चन और एफएक्यू क्वेश्चन में फर्क है। एफएक्यू क्वेश्चन का मतलब है आपका कस्टमर कर रहा है, न्यू क्वेश्चन का मतलब है आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको जल्दी से क्वेश्चन कर देता हूं, विल यू प्लीज शेयर लिंक ऑफ योर वेबसाइट और शेयर सम पिक्स ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलो इसको भी जाने दें, हो जाएगी कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। आगे क्या आ गया, इमेजेस, यहां से कोई से भी तीन इमेजेस डाल दें, मैं कोई एक इमेज जो मेरे पास पड़ा होगा डाल देते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, पब्लिश के बाद पास कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ ये बिल्कुल वही करनी है, लेकिन अभी फिलहाल जाने देते हैं इसको, ठीक है। चलो साइज को भी जाने देते हैं अभी फिलहाल, देख लेते हैं, ठीक है, अभी टाइम हमारे पास नहीं है ना। आ जाए जी, अब आगे आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटो, यहाँ से और फोटोज आ रही हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वीडियो पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो बनाए, यहाँ पर वो भी लगा दें, डॉक्यूमेंट, मैंने कहा था अपना डॉक्यूमेंट में पोर्टफोलियो भी बनाए, वो भी यहाँ पे लगा दें, और अभी क्या कह रहा है वो सेव एंड कंटिन्यू। पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी प्रोफाइल बनाई, जिसकी वीडियो बनाई है उसी चीज की पीडीएफ बना दे, मैं आपसे एक प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये भी आ गया, सेव एंड कंटिन्यू, चलो जी गिग सेविंग, ये पब्लिश का बटन आ गया। अब इसको मैं करता हूं पहले पब्लिश, उसके बाद मैं करूंगा पास। जी क्या कह रहा है, होगी पब्लिश, सेव कर दें, ये भी हम पास करने लगे। हुसैन अली, हम हाजिरी लगा रहे हैं, वो कह रहा है क्लास है, ठीक है जी। आ गया, खत्म होगी बात। जिस जगह पर आपने गीक लगाई थी, यहां से गिग्स में आ जाएं वापस, वो असल में मैंने स्क्रीन बड़ी की है, मेन्यू डिस्टर्ब हुआ है, हाँ बड़ी करने की वजह से। बिल्कुल बना सकते हैं, ये है जी, अभी ये वाली थी ना आपकी, ठीक है, इसको भी फिलहाल हम ये इस पे आए, अभी ये ड्राफ्ट में गई हुई है, अभी तक ये पब्लिश नहीं हुई है, उधर उसने कहा था ना हो गई है, शायद अभी ऑन द वे, अभी इसमें Thank you.
से भी ऑन करें। अच्छा वो ये कह रहा है प्लीज चेक, यहाँ पर इमेज नहीं आया। अच्छा फिर चला गया, वो इमेज अपलोड नहीं था हुआ। अभी इन प्रोसेस है, अगली क्लास में आप लोगों ने जो काम करने है, टास्क जो आपने करना है इंशाल्लाह वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। टैग मिस थे इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है, डन हो गया। अब अगली क्लास आ गई हमारी, इसे बंद कर दे।